हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के नए टॉपिक के साथ, दैट इज जिम्नोस्पर्म। एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से हम क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, फैनेरोगैम्स को स्टडी कर रहे हैं। फैनेरोगैम्स हम किन को कह रहे हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स को। किसको डिस्कस कर रहे हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स। और जितने भी सीड बियरिंग प्लांट है वो एक ही डिवीजन में आते हैं, और वो डिवीजन कौन सा है, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में आपके जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म, दोनों ही प्लांट ग्रुप में आपके सीड बनते हैं, सीड फॉर्मेशन होती है। लेकिन फिर भी डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों की ही लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन दोनों की ही लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। डिप्लॉन्टिक मीन्स अपने लाइफ का ज्यादातर टाइम जो ये बिताते हैं वो किसमें बिताते हैं, डिप्लॉयड फेज में बिताते हैं। किसमें बिताते हैं, डिप्लॉयड फेज में बिताते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद इनके अंदर टाइप ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें तो इनमें बेटा गैमेटिक मियोसिस होता है। ध्यान रखना, लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है, और जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है उनके केस में गैमेटिक मियोसिस होता है। जबकि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल थी एप्लोडिप्लॉन्टिक, उनमें बेटा स्पोरिक मियोसिस होता है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी को, मेन पार्ट की तरफ आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो किससे लिया गया है, दो वर्ड से मिला करके लिया गया है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। जैसे हमने कहा एंजियोस्पर्म, स्पर्मा वर्ड उसमें भी आता है, तो वो भी एक सीड बियरिंग प्लांट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके पास जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब उनके बाहर फ्रूट वॉल की कवरिंग नहीं होती है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं, फ्रूट वॉल, पेरिकार्प से कवर्ड होते हैं, क्योंकि उनके केस में सीड फ्रूट के अंदर होते हैं और इनके केस में सीड नेकेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, जिसके बेसिस पर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही किसमें मॉडिफाई होता है, सीड में। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर सीड नेकेड है, इनके अंदर कवर्ड है, तो उसका रीजन मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से देखना। जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स मतलब किसको कह रहे हैं हम, ओव्यूल्स मेगास्पोरिंजिया को हम ओव्यूल कह रहे हैं। मेगास्पोरिंजिया मतलब एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरिंजिया। मेगास्पोरिंजिया का ही अदर नेम है ओव्यूल, ठीक है। तो इनके केस में जो ओव्यूल होता है ना, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवरीवोल। इनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं होता है, ना तो फर्टिलाइजेशन से पहले ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब इनका ओव्यूल जो है वो नेकेड होता है, और आपको पता है ओव्यूल ही सीड में मॉडिफाई होता है, इसलिए इनके केस में जो सीड्स होते हैं दे आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होते हैं। कवर्ड नहीं होते, दैट मीन्स कैसे होते हैं, नेकड होते हैं, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा, ये आपका ओवरी पार्ट है, ठीक है, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ओवरी की ये इनके वॉल है, ओवरी वॉल के अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स इनके केस में ओव्यूल्स आर कवर्ड बाई ओवरी वॉल,
ओव्यूल किससे कवर्ड होते हैं? ओवरी की वॉल से कवर्ड होते हैं। तो आपको पता है ओव्यूल ही किसमें मॉडिफाई होता है? सीड में। और ओवरी मॉडिफाई हो जाती है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में। तो इनके केस में जो सीड्स होंगे दे आर कवर्ड, कवर्ड किससे कवर्ड होंगे? बाई फ्रूट वॉल। किससे कवर्ड होंगे? फ्रूट वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, तो इनके केस में जो ओव्यूल है, जो सीड्स है वो कवर्ड है। ओव्यूल कवर्ड था इसलिए सीड्स भी क्या है? कवर्ड है। ठीक है, या हम यू कह दें सीड्स आर प्रेजेंट या एनक्लोज्ड बाई फ्रूट वॉल। सीड किससे कवर्ड है? फ्रूट वॉल से कवर्ड है। ये मेन डिफरेंस होता है इनके केस में। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? तीसरा डिफरेंस इनमें होता है एंडोस्पर्म को लेकर के। क्या डिफरेंस होता है? एक तो इनके केस में जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में, इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। ये एक्चुअल में इनके फीमेल गैमेटोफाइट का ही एक पार्ट होता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे है? हैप्लोइड है, ये उसी का एक पार्ट है, तो इसलिए इसकी प्लोइडी कैसी होगी? हैप्लोइड होगी। दो पॉइंट्स मैंने बताए, एक तो मैंने बताया कि इनके केस में एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होगी, और दूसरा मैंने बताया कि इनका एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। जबकि एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन जब होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो होता है सिनगैमी, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म जो बनता है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बेटा? एक मेल गैमेट जो कि हैप्लोइड होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई में दो हम लिख रहे हैं, दोनों की प्लोइडी हैप्लोइड है, तो एन प्लस एन। ठीक है, तो ये तीन हैप्लोइड न्यूक्लियाई हमारे पास है, ये तीनों आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा बनता है? ट्रिप्लोइड बनता है। कैसा बनता है? ट्रिप्लोइड। ठीक है, तो इनके केस में एंडोस्पर्म है हैप्लोइड, इनमें ट्रिप्लोइड। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, तो ये तीन मेन डिफरेंस थे ओव्यूल का, सीड का और एंडोस्पर्म का। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, अब हम आ जाए बॉडी फॉर्म को लेकर के, कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, उसका साइज क्या है। तो जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है ना, ये या तो मीडियम साइज के ट्रीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीडियम साइज ट्रीज, या कुछ केसेस में टॉल ट्री भी पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म कुछ ऐसे हैं जो टॉल ट्री की फॉर्म में हमें मिलते हैं। इवन कुछ जिम्नोस्पर्म हमें श्रब की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, तो या तो श्रब, श्रब की फॉर्म में तो कुछ ही होते हैं, ज्यादातर मीडियम साइज ट्रीज की फॉर्म में होते हैं और कुछ टॉल ट्रीज की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये इतने टॉल है, जो टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड का, टॉलेस्ट ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट ट्री की जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है वो क्या है बेटा? सिक्वोया। सिक्वोया को हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, जियांट रेडवुड ट्री। ये सबसे टॉलेस्ट प्लांट है, सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज है ट्रीज की। ये भी क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म से। अब इनके प्लांट बॉडी की बात करें तो टेरिडोफाइट में ही हमने पढ़ लिया था कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ बन चुकी है।
तो यहां पे भी क्या होंगी, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ होंगी। एंजियोस्पर्म्स में भी क्या होंगी, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ होंगी। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि इनके केस में रूट कैसी होती है, स्टेम कैसी होती है और लीफ कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट्स को लेकर के। तो रूट्स को अगर हम डिस्कस करें तो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके केस में टैप रूट पाई जाती है। जैसे हमने रूट सिस्टम में पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी डिस्कस किया होगा, टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। टैप रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से अराइज होती है। किससे अराइज होती है, रेडिकल, जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है रेडिकल, जिसको हम फ्यूचर रूट भी कहते हैं, उससे जो रूट अराइज होती है वो कहलाती है टैप रूट। ठीक है, तो इनके केस में रूट कैसी है, टैप रूट सिस्टम होता है। इवन पर्टिकुलर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देख लें पाइनस, तो पाइनस जो है ना, इसकी जो रूट्स होती है वो फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है और क्या बना लेती है, माइकोराइजा बना लेती है। तो पाइनस के केस में माइकोराइजल एसोसिएशन आपको मिलती है, दैट मीन्स माइकोराइजा ये बनाते हैं। इसके विपरीत अगर हम साइकस की बात करें, पर्टिकुलर एग्जांपल देकर के पूछेगा एग्जामिनर आपसे साइकस की रूट कैसी होती है, पाइनस की कैसी होती है, तो इन पॉइंट को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकस में अगर हम देखें तो इनके केस में कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है। अब कोरेलॉइड रूट्स क्या होती है, इनमें जो रूट्स होती है दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो किसके साथ एसोसिएट हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट हो जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये इनकी हेल्प करेगा। ध्यान देना, पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है और साइकस में कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती हैं। कोरेलॉइड रूट्स में पूछेंगे आपसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होती है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ होती है। जनरली टैप रूट होती है, लेकिन पाइनस में रूट फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती हैं और माइकोराइजा बनाती हैं। साइकस में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो ये तो था रूट के बारे में। अब अगर हम स्टेम की बात करें तो इनके केस में दोनों टाइप की स्टेम पाई जाती है, अनब्रांच्ड भी जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ब्रांच्ड स्टेम भी आपको मिलेंगी। अनब्रांच्ड स्टेम इनके केस में प्रेजेंट होती है, साइकस प्लांट की स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड। ध्यान रखना साइकस की स्टेम अनब्रांच्ड है लेकिन रूट कोरेलॉइड रूट्स है, और जो ब्रांच्ड रूट्स है, ब्रांच्ड स्टेम है सॉरी, वो आपको देखने को मिलेंगी पाइनस में और सेट्रस में। एग्जांपल देकर के आपसे पूछेगा भी एग्जामिनर, तो ध्यान से देखना ये है इनके किसके बारे में, स्टेम के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इनमें लीव्स कैसे होते हैं, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि लीव्स कैसे होंगी। तो जिम्नोस्पर्म्स में दोनों तरह के लीव्स आपको मिलेंगे, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव। तो आप सबसे पहले तो ये देखो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल लीव का मतलब होता है कि जो लीव का ग्रीन पार्ट है, जिसको हम कहते हैं लीव का लैमिना जो है वो इंटैक्ट है, मतलब वो लीफलेट में डिवाइड नहीं हो रहा। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है बेटा, लीफ का जो लैमिना है वो लीफलेट में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है, लीफलेट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर लीफलेट बनती है तो कंपाउंड लीफ है, और अगर लीफलेट नहीं बन रही तो क्या है, सिंपल लीव्स है। तो दोनों तरह के लीव्स इनके केस में देखने को मिलेंगे, सिंपल भी और कंपाउंड भी। अब आ जाओ स्पेसिफिक, जैसे हम साइकस के बारे में पढ़ेंगे या कॉनिफर्स के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए इनमें कैसे लीव्स होते हैं। तो साइकस की अगर हम बात करें तो इनमें पिन्नेट लीव्स होते हैं। अब बेटा दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक होते हैं पिन्नेट और एक होते हैं पामेट। मतलब अगर आपका लीफ लीफलेट में डिवाइड हो रहा है और जब इंसीजन बनती है तो वो इंसीजन मिडरिब की तरफ, लॉन्ग एक्सिस की तरफ जा रही है, ऐसे लॉन्ग एक्सिस की तरफ जा रही है, पूरे एक्सिस की तरफ जा रही है, तो वो तो होती है पिन्नेट।
पामेट में क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा ना बेटा, तो ये इंसिजन किसकी तरफ जाएंगी, एक पॉइंट की तरफ जाएंगी, देखो एक ही पॉइंट की तरफ जा रही है, तो वो होती है पामेट। तो इनमें जो साइकस में जो लीव्स होती हैं वो पिन्नेट लीव्स होती हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनके जो पिन्नेट लीव्स होते हैं दे परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक तो परसिस्ट करते हैं फिर गिर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनके स्कार रह जाते हैं स्टेम के ऊपर, क्या रह जाते हैं, स्कार। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म्स का एक स्पेशल फीचर होता है लीव्स का, क्या, कि देयर लीव्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा हवा चलती है तो लीव्स टियर आउट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आ जाती हैं, एक्सट्रीम बहुत लो या बहुत हाई, तो अभी प्लांट के लीव्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं दे आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। कॉनिफर्स की हम बात करें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। कॉनिफर्स की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट ग्रुप होता है कॉनिफर्स, ठीक, कॉनिफरोप्सिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इनके केस में निडल लाइक लीव्स होते हैं, निडल की तरह के पतले पतले नैरो निडल लाइक लीव्स होते हैं। अब निडल लाइक लीव्स का इनमें क्या बेनिफिट होता है, एक तो पहला बेनिफिट क्या होता है, दे रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। निडल लाइक लीव्स हो गए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। निडल लाइक मतलब बहुत ही नैरो नैरो लीव्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, संकन स्टोमेटा है, संकन मतलब अंदर धसे हुए। और तीसरा क्या है, थिक क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो लेयर है वो भी कैसी है, थिक है। अब इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है प्लांट को, इट हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन लॉस जो होता है ना बेटा, उसको कम कर देता है, सरफेस एरिया कम हो गया। स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता, अगर बाहर टेम्परेचर हाई होता तो स्टोमेटा भी कैसे हो गए हैं, सनकन, तो क्लाइमेट का कम इफेक्ट हो गया। क्यूटिकल भी कैसे हो गई है, थिक हो गई है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस होती हैं जिम्नोस्पर्म्स के कॉनिफर्स के लीव्स में, कि लीव्स कैसे होते हैं, नडल लाइक हो जाते हैं, इससे उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, स्टोमेटा भी संकन होते हैं और क्यूटिकल भी कैसा होता है, थिक होता है। तो ये था डिस्क्रिप्शन इनके प्लांट बॉडी के बारे में, कि रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डिफरेंस के, वो भी तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे की लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।